हेलो एडियट्स, इसके पहले के वीडियो में जो है वहाँ पे फर्स्ट पी एक्सरसाइज को क्लियर किया गया था। आज आपका एक नया टॉपिक है सर्ट्स, इसे हम सर्ट्स यार इसको जो है फिर एक नाम से वो जानते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, आज ही हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्ट्स क्या होते हैं, जब भी किसी रेशनल नंबर को उसके जो है एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में या पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, तो वहीं पर क्या कराते हैं, वो सर्ट्स कराते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर ये कोई रेशनल नंबर हम लेते हैं यक्स, यक्स एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का जो है यहाँ पे जो पावर है, पावर को अगर हम यहाँ पे जो है 1/n करते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, nth रूट यक्स, क्या कहेंगे इसको हम, nth रूट यक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे, ठीक है, इसी को हम सर्ट कहेंगे। एग्जाम्पल टू में देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ देते हैं क्यूब रूट 6, ठीक है, तो क्यूब रूट क्या है, ये सर्ट है या नहीं है, आप देखो कि यहाँ पे इसमें क्यूब रूट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्यूब रूट क्या है, ये एक सर्ट है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ओनली जो है यहाँ पे 6 दिया जाए, 6, क्या ये सर्ट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यह रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर जो होगा वो सर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए जैसे यहाँ पे अगर रूट 4 दे दिया जाए, रूट 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आएगा 2, तो ये क्या, ये सर्ट है, ये सर्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे 4th रूट 625, यहाँ पे क्या 4th रूट है, जो 625 को आप फैक्टराइज करोगे, तो यहाँ पे इसका जो है फैक्टराइज करने के बाद जो 5 आएगा उसका 4 का पेयर बनेगा, 4th रूट है ना, इसके 4 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 5, तो 5 क्या, ये शर्ट नहीं है, ये क्या है, शर्ट नहीं है। अब लेकिन जैसे यहाँ पे अगर दे दिया जाए क्यूब रूट 20, अब बताओ 20 को फैक्टराइज करोगे यहाँ पे, तो क्या उसमें 3 का पेयर, सेम नंबर का पेयर बन जाएगा, नहीं, इसीलिए क्या है, ये शर्ट यहाँ पे है, क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे शर्ट होगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। अब आगे देखिए जैसे यहाँ पे 27, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बताते हैं आपको, इसे दिया है रूट 27, ये क्या है, ये क्या है, अभी यहाँ पे इसको आपको देखना है किसमें पेयर बनेंगे, तो आप 27 को फैक्टराइज करिए, तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, तो इसको आप देख सकते हो क्या, 3 रूट 3, और 3 रूट 3 जानते हो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर जब ये हो गया तो आप कह सकते हो क्या है कि रूट 27, ये क्या है, ये कि ये शर्ट है, क्या है, शर्ट। अभी यहाँ पे दिया हो तो रूट नाइन आपका 9 का फैक्टर क्या स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, 9 के स्क्वायर का टोटल फाइंड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ये शर्ट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे ही देखें यहाँ पे क्वेश्चन और बताते हैं इसी में से आपको, दिया गया है √225 × √4, ये बताइए शर्ट है, बोले देखिए यहाँ पे 225 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो आएगा 15 × 15, ठीक है, और 4 का जब करोगे तो यहाँ पे √2 × 2, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो ये आ गया यहाँ पे क्या 15 और यहाँ पे 2, 15 × 2 = 30, 30 क्या है, एक ये रेशनल नंबर है, इसीलिए क्या होगा, ये सर्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, √225 × √4 इज नॉट ए सर्ट, ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, सर्ट है यहाँ पे है। अब आगे देखिए यहाँ पे होता है नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे रेशनलाइजेशन, हम बता रहे हैं क्या है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या है यहाँ देखिए, रेशनलाइजेशन
तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया है फाइव रूट टू इंटू थ्री रूट टू, ठीक है। अब यहाँ फाइव रूट टू इंटू थ्री रूट टू आप देखोगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए फाइव का मल्टीप्लाई थ्री, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और फिर रूट टू का मल्टीप्लाई जब रूट टू में करोगे तो आएगा यहाँ पे टू, इसको टू कितना आ गया यहाँ पे फिफ्टीन टू जा थर्टी, थर्टी क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे फाइव रूट टू तो हम कह सकते हैं, जब ये दोनों रेशनल नंबर हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं क्या फाइव रूट टू एंड थ्री रूट टू ये दोनों क्या एक दूसरे के रेशनल फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के रेशनल या रेशनलाइजिंग फैक्टर है, दूसरे कहलाएंगे फाइव रूट टू भी कहलाएगा और थ्री रूट टू ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से जब वहां पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर हमें मिलेगा तो उसी ये दोनों पे दूसरे को हम क्या कहते हैं वहां पे रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए एग्जांपल और देखिए रूट ट्वेंटी सेवन, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, आप ट्वेंटी सेवन में जब फैक्टराइज करोगे तो ये आपका थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये इतना आएगा, थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन। अब आप देखिए इसमें इसका पेयर बन गया, इसको हमने बाहर निकाल लिया, बचे गए यहाँ पे रूट थ्री, तो यहाँ हमें पेयर बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है और एक रूट थ्री की और जरूरत पड़ रही है ना, यहाँ पे हमें पेयर बनाने के लिए अगर एक थ्री और होता रूट थ्री तो यहाँ इसका भी पेयर बन जाता। देखिए जैसे यहाँ पे थ्री है रूट थ्री है तो अगर इसमें रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री यहाँ पहले से और रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री में तो आएगा थ्री, थ्री थ्री या नाइन, ये देखिए आपका नाइन एक रेशनल नंबर मिल गया। तो हमें यहाँ पर किसकी कमी थी, इसी रूट थ्री की तो कमी है कि अगर रूट थ्री में हम रूट ट्वेंटी सेवन में अगर हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा और हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा रेशनल नंबर, इसी को देख लीजिए ट्वेंटी सेवन थ्री जा कितना हो जाएगा रूट एटी वन और एटी वन के स्क्वायर रूट नाइन, तो नाइन एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। इसलिए किसी भी रेशनल किसी भी नंबर में उसको ऑपरेशनलाइजिंग करने के लिए जितने भी जो है पेयर बनाने के लिए हमें जितने की जरूरत पड़ती है वही उसका क्या कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रूट थ्री, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो रूट थ्री होगा रूट थ्री ट्वेंटी रूट ट्वेंटी सेवन में रूट थ्री जो होगा वह इसका रूट ट्वेंटी सेवन का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्लियर है, आप कहोगे कि रूट ट्वेंटी सेवन का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें यहाँ पे, ठीक है देखते हैं यहाँ पे टू अंडर रूट वन ट्वेंटी फाइव, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको टू लिख दीजिए और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव लिख सकते हो, लिख सकते हो ना आप यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे और ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर निकल जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा फाइव हो जाएगा, तो टू इंटू फाइव और स्क्वायर रूट यहाँ हो जाएगा फाइव, टू फाइव चार टेन, टेन और यहाँ पे हो जाएगा रूट फाइव। क्या ये रेशनल नंबर है, बोलिए क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं ना। तो रेशनल नंबर हमें यहाँ पे बनाने के लिए इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे रूट फाइव से मल्टीप्लाई करें तो फिर तो फाइव फाइव का जो है पेयर बन जाएगा और इसका जो ये बार आ जाएगा तो टेन इंटू हो जाएगा फाइव इक्वल टू फिफ्टी आ जाएगा और फिफ्टी एक रेशनल नंबर है ना। तो इसमें से टू रूट वन ट्वेंटी फाइव को जो है एक रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, रूट फाइव की, रूट फाइव की। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, आप इसको लिखना नहीं इतना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि रूट फाइव इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ टू रूट वन ट्वेंटी फाइव, क्लियर है समझे। तो इस तरह से रेशनलाइजिंग फैक्टर किसी भी नंबर को उसे हमें रेशनलाइजिंग करने के लिए या एक रेशनल नंबर बनाने के लिए जितने की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, जितने की जिन नंबर की हमें जरूरत पड़ती है वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका जो है यहां तक जो है एक्सरसाइज में से आप जो फर्स्ट सी एक्सरसाइज होगा इस रहे फर्स्ट सी में से आप इतना सॉल्व करोगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री भी हम बता रहे हैं, इसी में देखिए ये क्वेश्चन और भी है, इसको भी आप देख लीजिए यहाँ पे, जिसे गिवन है 3/√5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करता है करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें आप क्या करोगे, 3/√5 है तो इसमें आप, इसी में आप क्या करोगे, आप जितना नीचे डिनोमिनेटर है √5 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए बोला है, इसलिए आप क्या करोगे, जितना डिनोमिनेटर है √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो 3 का मल्टीप्लाई √5 में करोगे तो आएगा आपका 3√5/√5 का मल्टीप्लाई √5 में √25, तो हो जाएगा यहाँ पे 3√5/, और 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या रेशनलाइज हो गया ना, एक रेशनल नंबर बन गया। न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सिखा रहा था कि डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तो 3√5/5 ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में से। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में वहां पे अगर जिसे दिया गया 1/√3 − √2 ये गिवन है, अब यहाँ पे टू नंबर है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे जैसे √3 + √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, √3 + √2 से। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई √3 + √2 में करोगे तो आपका √3 + √2 ही आएगा, ठीक है। और नीचे आप देखिए √3 − √2 √3 + √2 एक ब्रेकेट में, यहाँ पे माइनस है, नंबर वही है और यहाँ पे प्लस है, तो हमारा ये फार्मूला बन गया a² - b², तो ये हो जाएगा √3² − √2², ठीक है। अभी हमारा इस ये क्या बन गया, एक फार्मूला, तो हो जाएगा √3 + √2/√3 का इसका √3 कैंसिल √2 कैंसिल, तो आएगा यहाँ पे 3 और माइनस यहाँ पे भी √2 कैंसिल आएगा 2, तो आ गया आंसर आपका √3 + √2/1। और वन की कोई वैल्यू वन से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा √3 + √2, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप वहां पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे जो क्वेश्चन होंगे उससे फिर आगे बताए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स।